हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें 8वीं के बाद इंजीनियर बनना है या डॉक्टर, इसका डिसीजन हम कैसे लें और अगर डिसीजन ले भी लेते हैं तो उस पर कैसे आगे काम करें। तो यस फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक, इसका कोई भी हिस्सा स्किप मत करिएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे का रेड बटन दबाकर, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना हो तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो कोई भी वीडियो की रिलीज की जानकारी आपकी ईमेल के इनबॉक्स में नहीं पहुँच पाएगी और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कोई वीडियो नई रिलीज हुई है या नहीं। इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को दबा दीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और घंटी को नहीं दबाया है तो भी आप घंटी दबा दें। तो फ्रेंड्स, 8वीं के बाद आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर, ये आपको डिसीजन ले लेना पड़ता है। ज़्यादातर लोग तो इसे 10वीं के बाद ही लेते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद स्ट्रीम चेंज होती है। जिसको भाई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है वो बायो ले लेता है, और जो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है वो मैथ्स ले लेता है। मैं यहाँ पर केवल साइंस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, आर्ट्स कॉमर्स या एनी अदर ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल साइंस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी से रिलेटेड है, यानी इंजीनियरिंग या मेडिकल से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 8वीं के बाद अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको 10वीं के बाद यानी 11वीं में चुनना पड़ेगा, पीसीएम, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहते हैं। तो 8वीं के बाद अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, तो 8वीं के बाद आप जैसे ही आप 8वीं में प्रवेश करें उसी धीरे धीरे पढ़ना आप शुरू कर दें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड बुक को। अब आप सोचेंगे कि 8वीं के सब्जेक्ट में तो ये सब रहता ही नहीं है तो मैं पढ़ूंगा कैसे, या मैंने अगर 8वीं पास कर ली है तो 9वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोई स्पेशल से तो बुक नहीं रहता है, सब मिक्स बुक रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप आगे की बुक जो रेफरेंस बुक होती है, अगर आप 8वीं में हैं और तो 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के रेफरेंस बुक होते हैं जो हल्के होते हैं, उनको आप पढ़ना धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि माइंड सेटअप कर लेगा। पहले से टारगेट अगर माइंड में चला आता है तो उसको अचीव करने में आसानी होती है। खासकर टारगेट उस समय जब चला है जब दिमाग बहुत नाजुक और कोमल होता है, क्योंकि अगर 8वीं स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका बहुत ज़्यादा एज नहीं होगा और दिमाग को कोई भी चीज़ अचीव करने, उसे क्या कहते हैं कि अंदर कैप्चुलेट करने और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ऐसा करने में उसे आसानी पड़ती है माइंड को। तो इस वजह से आप पहले ही से पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड बुक्स हैं अगर उनको पढ़ने से आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप एक होम ट्यूशन रख ले, मतलब एक ट्यूटर रख ले। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप कोचिंग में जो फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं उसमें चले जाएं, उसमें देखिए उसमें जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। कोचिंग वाले कोचिंग चला रहे हैं अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए, और आपके लिए उतना नहीं सोचते हैं वो पूरी, मतलब एक कोचिंग में ढेर सारे लड़के रहते हैं तो वो ज़्यादा लोग को कंसंट्रेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट स्टार्टिंग एज में नहीं है। फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए, लेकिन 10वीं के बाद अगर 11वीं 12वीं कर ले तो उसका कुछ फ़ायदा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 8वीं से आप एक होम ट्यूटर लगाकर करीब उसके 2-3 हज़ार रुपये दे दीजिए, या मतलब जैसा आपको सूटेबल है, जैसा आपके बजट में हो वैसा ही कुछ एक ट्यूटर पकड़ लीजिए, और मतलब थोड़ा जानकार हो हल्का फुल्का, और वो आपको मतलब कि बताए। और आप 8वीं में है तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो तो आराम से वो बता देगा। अगर वो साइंस स्ट्रीम का लड़का है, अगर मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, थोड़ा बहुत ही अच्छा पढ़ने लिखे में, तो वो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें आपको बता देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको फायदा ये होगा, आपका बेस धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा, अब आपको एक लाइन और ट्रैक मिल जाएगी कि भाई कहाँ अपने शरीर का पावर, मेंटल पावर कहाँ आपको देना है, कहाँ जोर लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, 8वीं में जो क्या होता है कि 9वीं में क्या होता है, आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, दूसरे फालतू के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, कंप्यूटर साइंस भी रहता है, तो कितने लड़के कंप्यूटर में लेते हैं इंटरेस्ट दिखाने। अब आपको एग्जाम जो देना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर देना है, तो कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश इस सब पर ज़्यादा जोर देंगे तो क्या माइंड की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी ये सब खत्म होगी, और धीरे धीरे मतलब कि एक एनर्जी भी एक पैकेज की तरह होता है। मान लीजिए कि जैसे कि रिचार्ज कूपन होता है, उसी तरह रिचार्ज कूपन का जैसा पैकेज होता है ये भी पैकेज होता है। जब आप अपनी एनर्जी और इंटरेस्ट को हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस और दूसरे अन्य सब्जेक्ट में लगा देंगे तो फिर
वो जो अच्छे कोर सब्जेक्ट है जहाँ आपको टारगेट करना है, उसके लिए तो आपका समय, एनर्जी, पावर, ये सब तो, और इंटरेस्ट, ये सब तो बचा ही नहीं रहेगा। इसलिए आप उसको बचा कर रखें सही चीज़ों काम करने के लिए। यहाँ पर बहुत तो आप टेम्प्रोरी बस केवल काम करेंगे ताकि आप उसमें थोड़ा सा एक नाम मात्र का बस रखेंगे, क्योंकि देखिए 8वीं और 9वीं में कोई बोर्ड का एग्जाम तो होता नहीं है, बस ये टेम्प्रोरी होता है। बस मेन है 10वीं, तो 10वीं में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा फिजिक्स, सॉरी हिंदी, इंग्लिश और आपका कंप्यूटर साइंस, ताकि थोड़ा सा आप स्कोर अच्छा कर सकें 10वीं में बोर्ड में। और यही हाल 12वीं में भी, 12वीं में आप थोड़ा सा हिंदी, इंग्लिश और ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब ताकि भाई परसेंटेज आपका मस्त बना रहे, क्योंकि भाई ज़िंदगी भर ये परसेंटेज 10वीं 12वीं का रहता है, तो थोड़ा सा उसमें केयर करना। लेकिन ये 8वीं 9वीं और 11वीं में तो कोई इस पर जोर देने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो ये सब आप बारीकी अगर आप ध्यान रखें तो फायदा होगा, क्योंकि भाई देखिए अल्टीमेटली आपको इंजीनियर बनना है तो आपको देना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर, तो इस शुरू से ही इस पर टारगेट करना सीखिए। और ट्यूटर जो मैंने बताया कि ट्यूटर को आप पकड़े रहिए, उसे अगर मतलब थोड़ा सा और पैसा अगर मान लीजिए दे देंगे, जैसे मान लीजिए उसकी 1000 डिमांड है तो थोड़ा सा 100 रुपया और उससे बेसी दे दिया करिए गार्जियन की तरफ से, ताकि आपको बेनिफिट ये मिलेगा, थोड़ा सा मन से पढ़ाएगा। तो इस तरह से है, मतलब कि अगर आप उससे बेनिफिट लेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। तो स्कूल का भी पढ़ते रहिए और अपना जो 8वीं का जो टीचर है 8वीं स्टैंडर्ड का, उसे भी लगाइए, वो 8वीं स्टैंडर्ड का पढ़ाएगा, लेकिन जो एडवांस स्टैंडर्ड का जो ट्यूटर है वो आपको थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में आकर बताएगा, तो थोड़ा सा ये आपको मैनिपुलेट करके करना पड़ेगा। सैटरडे या संडे स्कूल मत जाइए, संडे तो ऐसे ही छुट्टी रहती है, सैटरडे मत जाइए और फिर आपका काम ओके हो जाएगा। तो यही हाल बिल्कुल आपके, ये तो था अब मतलब कि इंजीनियरिंग के बारे में कि अगर 8वीं के बाद हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर आप कैसे प्रोसीड करेंगे और उसका मतलब कैसे वर्कआउट करेंगे। तो अगर आप 8वीं के बाद मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसका भी बिल्कुल यही तरीका है, बिल्कुल यही तरीका है। केवल इसमें देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको बायोलॉजी पर आपको कंसेंट्रेट करना है। बायोलॉजी मतलब EBS में भी कुछ चैप्टर जो बायोलॉजी के इंक्लूड कर बना दिया है, तो वैसे EBS तो पूरा मिक्सअप रहता है ढेर सारी चीज़ों का, क्योंकि उसमें जियोग्राफी से लेके साइंस से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिक्स कर रहता है। तो आपको बस उसमें ये देखना है कि भाई बायोलॉजी से रिलेटेड कौन से चैप्टर, तो थोड़ा सा उसमें पढ़ लेना है। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बायो से रिलेटेड फिजिक्स और केमिस्ट्री जो रहती है, क्योंकि इसमें PCB स्ट्रीम रहती है, तो आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ लेनी है आपको बस। अगर आप वही हाल इसमें भी अगर आपको दिक्कत होता है तो पढ़ने में, अगर आपके मतलब घर में कोई गार्जियन हो तो बता देता है तो ठीक है, नहीं तो अगर अदरवाइज आपको कोई ट्यूटर पकड़ ले, ट्यूटर पकड़ ले मतलब उसको ट्यूटर को घर जाकर ना पढ़े, अगर आप उसे अपने घर ही बना ले, क्योंकि इससे समय की बचत होगी। अगर फिर अगल बगल का कोई ट्यूटर है अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो अच्छी बात है, या अगल बगल का कोई परिचित है जो आपको बताता रहे तो वहाँ पर जाए तो सही रहे। अब इसको हल्के मत लीजिएगा, होता ही यूँ कि भाई ये क्रिकेट की तरह है। अब जैसे कि पहले पहले के ज़माने में क्या होता था, इंडिया मैच जीतती रहती थी तो वो बल्का जीते हुए मैच को बड़ा हल्के में ले लेती थी, तो नतीजा क्या होता था कि मैच हार जाती थी। इसी तरह क्या क्या कंपटीशन को, जैसे कि अब 8वीं स्टैंडर्ड में कंपटीशन को ठीक है देख लेंगे, मन कर रहा है तो आप कोचिंग जा रहे हैं, सॉरी ट्यूटर, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कम्पटेटिव ट्यूटर जो मैंने बताया उसे पढ़ने जा रहे हैं, मन कर रहा है तो गैप मार रहे हैं, घंटा गोल मार रहे हैं और ज्यादा उस पर सीरियसली नहीं रह रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अभी से थोड़ा सा सीरियसली उसको ले लेंगे और तो सही रहेगा। और जैसा मैंने बताया कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो भाई आपको हिंदी, इंग्लिश और ये आपका कंप्यूटर से जब बहुत ज़्यादा तो मतलब नहीं रहे, तो इससे नाम मात्र का बस केवल ध्यान दें। हाँ, अगर आप 10वीं और 12वीं जैसा कि मैंने कि इंजीनियरिंग लाइन में बताया, 10वीं और 12वीं में जाते हैं तो थोड़ा सा इसे ध्यान दें, क्योंकि भाई उसमें परसेंटेज भी बनाना है। तो इस तरह से तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको कोई सक्सेस पाने से रोक ही नहीं सकता है। बस यही था फ्रेंड्स इस वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स, जो भी है उसको आप कह लें या समझ लें, लेकिन ये बस यही है। अगर ये तरीका बिल्कुल आप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल 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 से अभी तक आप सक्सेस पाने की राह में रहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा टारगेट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, उस टारगेट को प्रोसीड करना कैसे करना है, उस प्रोसीड के डायरेक्शन में आप चलने लगेंगे। तो इतना कुछ ध्यान देते हुए फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको अपने ट्यूटर पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, स्कूल से ज़्यादा आपको अपने ट्यूशन पर कंसंट्रेट करना है, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके, जहाँ तक 8वीं 9वीं 11वीं की बात है। हाँ, 10वीं में आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने स्कूल पर या 12वीं में, लेकिन 8वीं 9वीं 11वीं के लिए तो बिल्कुल अपने ट्यूटर पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि फाइनली यू हैव टू क्वालिफाई फॉर योर कंपटीशन, दैट इज योर मेडिकल लेवल और इंजीनियरिंग लेवल, दैट मे बी डिपेंड अपॉन यू।
तो इस वीडियो में नए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ। टिल देन गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर, ताकि ये वीडियो का जो नॉलेज है सबके पास पहुंचे और सबको आपका बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू वेरी मच।